नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। बेटी के कन्यादान से पिता ने किया इनकार, फिर कह दी ऐसी बात कि होने लगी वाहवाही। शादी विवाह का समारोह किसी परिवार के लिए बेहद अनमोल होता है। शादी विवाह समारोह में अलग अलग धर्मों में अपनी परंपराएं हैं, लेकिन अगर किसी शादी समारोह में प्रचलित परंपराओं में से किसी को नकार दिया जाता है तो उसे बेहद अशुभ माना जाता है। लेकिन कोलकाता में हुई यह शादी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई यह शादी इन दिनों काफ़ी वायरल हो रही है। दरअसल ये महिला पंडितों द्वारा कराई गई शादी, साथ ही इस शादी में पिता ने अपनी बेटी का कन्यादान करने से मना कर दिया। दरअसल कोलकाता में संपन्न हुए एक शादी समारोह में कुछ अलग हुआ। यहाँ चार महिला पुजारियों ने एक शादी समारोह को संपन्न कराया। आमतौर पर हिंदू समाज में शादी समारोह में पुरुष पंडित के द्वारा शादी होती है, लेकिन इस शादी में महिला पंडितों द्वारा ये शादी कराई गई। शादी की खासियत केवल महिला पंडित नहीं बल्कि और ख़ास कई वजहें रही हैं। इस शादी की सबसे ख़ास बात यह रही कि दुल्हन के पिता ने कन्यादान करने से मना कर दिया। कन्यादान हिंदू शादी परंपरा में एक ऐसा रिवाज है जिसमें दुल्हन के पिता अपनी बेटी का हाथ उसके होने वाले पति के हाथ में देते हैं। यहाँ पर पिता ने शादी के दौरान भाषण देते हुए कहा कि बेटी कोई संपत्ति नहीं है जो उसे किसी उपहार में किसी और को सौंप दिया जाए। शादी समारोह में शामिल हुए मेहमान ने इस पूरे वाक्य को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर के माध्यम से शेयर किया, जहां ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। समारोह में शामिल मेहमान ने लिखा कि मैं महिला पंडित के द्वारा कराई जा रही एक शादी में शामिल हुई हूँ। यहाँ पर दुल्हन के पिता ने भाषण देते हुए कहा कि मेरी बेटी कोई संपत्ति नहीं है जो मैं उसे कन्यादान में किसी और को उपहार में दे दूं। 4 फरवरी को ट्विटर पर अश्मिता घोष नामक इस महिला ने एक ट्वीट किया जो 4000 लोगों द्वारा लाइक किया जा चुका है और 942 लोगों द्वारा रीट्वीट किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर ही किसी यूजर ने इस तस्वीर में दिख रही महिला पंडितों में से एक की पहचान नंदिनी भौमिक के तौर पर की, और बीते दौरान शादी की ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें दुल्हन ने शादी के दौरान कनकांजलि करने से इनकार कर दिया। इसके तहत दुल्हन हाथों में चावल लेकर पीछे उचारती है, जिसका मतलब है सारे कर्ज उतार देना, और बेटी ने कहा कि मैं कभी भी अपने माता पिता का कर्ज नहीं उतार सकती। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।